आप लोग देखिए ना, नौकरी एक तरफ दिया जा रहा है, एक तरफ वादा करके इस देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, और राज्य सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा कर रहे हैं। इतिहास रचा है ना, आज तक कभी कोई इतिहास में ऐसा हुआ है क्या कि गांधी मैदान में 1.25 लाख लोगों की नियुक्ति की गई हो, और 1.25 लाख नियुक्ति के लिए और विज्ञापन निकल गया हो, सिपाही की भर्ती हुई हो? तो ये काम राज्य सरकार करती है, और जो नौजवानों को, बेरोजगारों को जो वादा कीजिए उसको पूरा करिए, ठगने का काम मत करिए। नीतीश जी ने जब पूछा कि भ्रष्टाचार की बात हो रही थी तो उसमें पूरा भीड़ उमर पड़ा, जितने रिक्रूटमेंट से नए एस्पिरेंट से, उन्होंने एक स्वर में कहा कि नहीं, कोई घोटाला कोई नहीं हुई। और सबक काहे के लिए तो घोटाला होगा, ये तो उनको अगर अपना काम तो किए नहीं, केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने अपना कोई काम तो किया नहीं, उसने जो वादा किया वो किया नहीं, और राज्य सरकार जो वादा कर रही है उसको पूरा कर रही है, बेरोजगारी दूर कर रही है, नौजवानों को रोजगार दे रही है, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो और बोलेंगे क्या, बोलने के लिए क्या है? तो बोलने के लिए तो कुछ नकारात्मक ही बोलना है ना। अपने गिरेवान में झांक के देखें कि उन्होंने क्या किया है इस देश के गरीबों को, इस देश के बेरोजगारों को, इस देश के नौजवानों को, कितना उन्होंने ठगने का काम किया, ये अपने गिरेबान में झांक के देखें। सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है चुनाव आयोग को कि 30 सितंबर तक तमाम पार्टी के जो डोनेशन मिलते हैं और कौन डोनर है उसका खुलासा करें। जरूर करना चाहिए, हम लोग तो उसके लिए सदैव तैयार रहते हैं, हम लोग का तो खुला किताब है। ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा है। अरे छोड़िए ना, ईडी भेजेगा अपना सम्मान, केजरीवाल साहब आज नहीं गए हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में है। ऐसा कहीं होता है क्या कि मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, राजस्थान का चुनाव हो रहा है, और ईडी सम्मान भेज रहा है केजरीवाल साहब को? 71,000 करोड़ का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि एनसीपी का नाम नेशनल करप्ट पार्टी है, तो नेशनल करप्ट पार्टी के सारे लोग आज धुल गए। ये देश की जनता देख रही है, समय आने पर सबका जवाब मिल जाएगा। 5 तारीख को अमित शाह बिहार आ रहे हैं, लेकिन आने दीजिए ना, तमाम बड़े नेता दिल्ली अचानक चल अचानक, अरे आने दीजिए ना, आने दीजिए, दिल्ली जाने दीजिए, दिल्ली जाएंगे आएंगे, उनको कोई काम नहीं करना है, यही काम करना है, आएंगे जाएंगे। महुआ मित्रा आज एथिक कमेटी के सामने, ठीक है, उनका वो लोकसभा की समिति देख रही है, उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी। नीतीश कुमार जी ने आज कहा है कि कांग्रेस को कहा है कि वो अभी 5 राज्यों में व्यस्त है और इंडिया अभी सही बात कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कांग्रेस पार्टी अगर INDIA गठबंधन है तो उसके जगह जगह पर लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए, उसकी गतिविधि को तेज करना चाहिए।